कभी देश के सबसे बड़े उद्योगपति में शुमार अनिल अंबानी की माली हालत काफी खराब हो चुकी है। खराब इतनी कि अब उन्हें अपने वकीलों को फीस देने के लिए गहने बेचने पड़ रहे हैं। कभी ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले अनिल अंबानी अब एक साधारण जीवन जी रहे हैं और उनके पास इस्तेमाल करने के लिए एक ही कार बची है। वो कर्ज के बोझ में पूरी तरह दबे हुए हैं। ये सारी बातें अनिल अंबानी ने खुद यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत को बताई है। अनिल अंबानी ने अदालत को बताया कि साल 2020 में जनवरी से जून के बीच वो 9,90,00,000 रुपए के गहने बेच चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी कीमती सामान नहीं बचा है। मीडिया में आ रही लग्जरी कार की खबरों को अफवाह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कभी भी रोल्स रॉयस कार ही नहीं रही। उनके पास सिर्फ एक कार बची है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। दरअसल अनिल अंबानी को चीन के तीन बैंकों के 5,281 करोड़ रुपए अदा करने हैं और यूके की हाईकोर्ट ने उन्हें 12 जून तक ये पैसा जमा करने को कहा था, लेकिन यह भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद 15 जून को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की अगुवाई में चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की संपत्तियों का खुलासा करने की मांग की थी। अनिल अंबानी ने एफिडेविट में अपनी संपत्तियों का खुलासा किया, जिसके मुताबिक उनकी संपत्ति की कीमत $1,00,000 यानी तकरीबन 74 लाख रुपए से ज्यादा है। अदालत में जमा एफिडेविट में अनिल अंबानी ने बताया कि उन्होंने रिलायंस इन्फोवेंचर्स को 5 अरब रुपए का लोन दिया और रिलायंस इन्फोवेंचर्स में 1,20,00,000 इक्विटी शेयर की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अपने पारिवारिक ट्रस्ट समेत दुनिया भर के किसी भी ट्रस्ट में उनका कोई आर्थिक हित नहीं है। कोर्ट में अंबानी ने माना कि एक समय वो भारत के सबसे धनी लोगों में शामिल थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2019-20 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई प्रोफेशनल फीस नहीं ली और जिस तरह के हालात है उनसे लगता नहीं कि इस साल भी उनको कुछ मिलने वाला है। अनिल अंबानी ने अदालत में कहा कि उनका खर्च बहुत कम है। उनकी पत्नी और परिवार के लोग उनके खर्च उठा रहे हैं। वो एक साधारण जीवन जीते हैं और उनके पास फिलहाल कमाई का कोई जरिया नहीं है। कानूनी खर्च उठाने के लिए वो गहने बेच रहे हैं। बाकी खर्च के लिए कोर्ट से दूसरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए इजाजत लेनी होगी। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइन भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी